वहीं जम्मू में श्रीनगर से आए मजदूर अपने घर जाने की बात जोट रहे हैं। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट दिखा रहे हैं ताजा हाल। कश्मीर घाटी से मजदूरों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं जो कश्मीर घाटी में मजदूरी कर रहे थे वो कश्मीर घाटी छोड़कर आए हैं, इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुँचे हैं और अब ये अपने गाँव जाना चाहते हैं। दरअसल जिस प्रकार से हाल फिलहाल में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने जो है मजदूरों को निशाना बनाया है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बिहार के मजदूरों को, उसके कारण जो बाकी मजदूर वहां पर कार्य कर रहे हैं उनमें भय उत्पन्न हो गया है और अब वो है अपना सामान पैक करके जो है गांव जा रहे हैं। यहां पर इस समय कुछ मजदूर हैं जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और ये अपने गांव जाना चाहते हैं, कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद कादिर। हाँ जी मोहम्मद कादिर। कादिर साहब कौन से राज्य से आप मूलतः? पूर्णिया जिला का है। बिहार से? बिहार से। कश्मीर में कहाँ काम कर रहे थे? वनपू में। कुलगाम में? वनपू में। हाँ ये इसमें काठपुरा में। अच्छा कौन से जिले में? कौन से जिले में? कोलगांव जिला में। अच्छा मुझे बताइए अभी आप वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर क्यों आए? छोड़ छाड़ कर आए, बहुत लफड़ा हो रहा है, रूम सूम से मार कर के निकाल रहा है और आतंकवाद सब मार रहा है वहाँ पर। आतंकवादी मार रहे? आतंकवाद सब वहाँ पर मार रहा है सबको, बिहारी को सबको मार रहा है, तो हम लोग भी छोड़ छाड़ के भागने चालू कर दिए। डर है मन में? हाँ डर से भाग रहे हैं हम लोग भी। हेलो हम लोग जहीं तहीं आगे आगे जम्मू में आगे ठहरे हैं हम लोग आगे। तो अभी कहाँ जाना है आपको? वापस बिहार? हमको वापस बिहार जाना है। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? दिक्कत से ट्रेन से जाएंगे जो कोई दिक्कत से। किराया वगैरह है? किराया वगैरह है अभी के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कुलगाम में जहाँ आप काम कर रहे थे किस जगह पे काम कर रहे थे, क्या था वो? वहाँ पर काठपुरा। किस में मजदूरी किस जगह कर रहे थे? पर बेच के वहाँ पर कर रहे थे, सेब का काम कर रहे थे, सेब उतारने का, सेब उतारने के लिए काम कर रहे थे। मजदूरी वगैरह मिल गया सारा सीजन का? नहीं मिला मजदूरी पूरा। पूरा नहीं मिला? पूरा नहीं मिला। क्या बोला मालिक? मालिक ने बोला जो खाता में खाता और स्टॉप कर दीजिएगा, छोड़ देंगे महीने, अकाउंट में डाल देंगे, अकाउंट में डाल देंगे बोला है। अच्छा अभी किस प्रकार का माहौल है कश्मीर? अभी कश्मीर में बहुत माहौल खराब है, हालत खराब है, बहुत डर है आपके मन? हमारे मन में बहुत डर है। जी आप बताइए आपका नाम? हसन उजमा। हसन साहब कौन से जिले से आप, असली मूलतः किस राज्य से? सर हम तो बिहार के हैं, पूर्णिया जिले के हैं। जी सर। कश्मीर में कहाँ काम कर रहे थे? सर काठपुरा में कर रहे थे सर। कोलगाम जिला में सर। अच्छा, अच्छा। तो अभी वापस घर जा रहे? हाँ सर वापस जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ ऐसा कश्मीर में, क्या डर लग रहा है वहाँ पे आप? हाँ सर बहुत जो है ना धमकी दे रहा है, हाँ कि रूम से निकल जाओ, हाँ ना तो कुछ हो जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओ। तो अभी जो आतंकवादी जो हत्याएं कर रहे हैं मजदूरों की, उससे आपके मन में डर पैदा हुआ है? जी सर हम बहुत डर है सर, अंदर में बहुत डर है, इसलिए हाँ हम लोग को भगा दिया सर। क्या लगता है कि आपको निशाना बनाया? हाँ सर हमको भी निशाना बना किया है वो, मतलब भागो ना तो तुम लोग है ना ही करेंगे, हाँ तुम लोग का भी हत्या हो गया। आप अपने फैमिली के साथ वहाँ रह रहे थे अकेले? ना सर हम अकेले रह रहे थे सर। क्या काम करते थे वहाँ पे? सर सेब उतार रहे थे और मकान वकान का काम करते थे। जो आपकी मजदूरी है वो सारी मिल गई सीजन की? जी ना सर, सर जाना बोला खाता नंबर दे दीजिए, खाता में आपको पैसा डाल देंगे, ऐसे ही भेज दिया सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।